चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज रायसेन दौरे पर रहेंगे। कमलनाथ का रायसेन दौरा, चुनावी आम सभा को आज संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक ली जाएगी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज रायसेन दौरे पर रहेंगे और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा की बैठक भी ली जाएगी। इसके साथ ही आम सभा को संबोधित भी आज कमलनाथ करेंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ वैभव जी लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव जी, रायसेन के दौरे पर आज प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कमलनाथ रहने वाले हैं, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है और किस तरह के कार्यक्रम आज उनके हो सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण कई बड़ी बातें आज इस मंच से निकलेंगी? बेहद महत्वपूर्ण रहेगा जया ये जो दौरा है प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का, क्योंकि रायसेन जाने वाले हैं। रायसेन की जो सांची विधानसभा सीट है वहां पर उपचुनाव होने हैं। प्रभुराम चौधरी बीजेपी की ओर से प्रत्याशी रहेंगे, संभवतः प्रत्याशी रहेंगे, हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह भी चुके हैं कि हमारी ओर से प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही हो चुकी है और उन्होंने काम करने की शुरुआत भी कर दी है। वहीं कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी वहां से चयनित कर दिया है, जो कि जमीन पर उतरकर काम भी कर रहा है और लगातार कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है और आज रायसेन दौरे पर जाने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। इसके साथ ही संगठन की मजबूती पर वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का फोकस है। कमलनाथ लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो टिकट के दावेदार होते हैं वो कमलनाथ के निवास पर भी पहुंचे थे, तो स्पष्ट तौर पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था कि जिसका सर्वे में नाम आएगा उसको ही टिकट दिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा भी था कि 2018 के विधानसभा चुनाव में तो जिन लोगों को मैं जानता तक नहीं था, चूंकि उनका नाम सर्वे में आया था तो उन्हें मैंने टिकट दिया है। लेकिन जिस तरह से हमने सत्ता को लटपेट देखा, तो अब जो कमलनाथ का फोकस है वो कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है। तो जब आज रायसेन दौरे पर जाएंगे, सभा को भी संबोधित करेंगे और कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी इस सभा में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा जब वो कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं से पार्टी की मजबूती के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के फीडबैक के बाद आला कमान को क्या फीडबैक देना है और संगठन में किस तरीके के बदलाव करने हैं, क्योंकि वर्तमान में जो कांग्रेस का संगठन चल रहा है वो कहीं ना कहीं कमजोर है और इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कि अगर हमें अपने विपक्षी दल से लड़ाई करनी है, उसको पटकनी देनी है, तो हमें अपने संगठन को उनके जैसा मजबूत बनाना होगा। तो संगठन की मजबूती पर कमलनाथ का फोकस और उपचुनाव का सियासी दंगल की जो शुरुआत हो चुकी है, चुनाव निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी दिल्ली में होनी है, तो ऐसा माना जा रहा है कि उपचुनाव की तारीखों का संभवतः ऐलान किया जा सकता है। तो कमलनाथ का जो दौरा रहेगा बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक, चुनाव से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातें हमें देखने को मिल रही है और आज रायसेन के दौरे पर रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जहां पर आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य मदनलाल चौधरी, जो कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनके पक्ष में प्रचार प्रसार किया जाएगा और इस मंच से कई बड़ी बातें कमलनाथ द्वारा कही जा सकती हैं, आरोप प्रत्यारोप भी इस मंच से हमें देखने को मिलेंगे।